हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मंदीप। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के जो इंजेक्शन लगाते हैं सेक्सुअल वीकनेस के लिए या मास बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उनका कितना बेनिफिट है और कितना उनका नुकसान है, और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का हम कंपैरिजन करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कि वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे ठीक करती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन है दोस्तों, वो लगाया जाता है 200 से 300 मिलीग्राम लगाया जाता है एक बार में, और उसका असर रहता है 2 से 3 हफ्ते तक, और 2 से 3 हफ्ते तक असर रहने के बाद उसका असर कम होने लग जाता है और रिपीटेडली वो लगाना ही पड़ता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन है वो हम बिना टेस्ट करवाए, जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है एक, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की डेफिशिएंसी है और अगर उधर से हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगवा रहे हैं सेक्सुअल वीकनेस के लिए, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और अब तक कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से लगाने से ज़्यादा लंबा समय तक हमें आराम मिल सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाने से हमें आराम तो मिलेगा, पर वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, और 24 आवर के बाद टेस्टोस्टेरोन की जो डोज है बॉडी में से कम होने लग जाती है, और उसके बाद उसका असर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टाइम रिलीफ के लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन है वो काम करते हैं। और दूसरा है प्रोलैक्टिन। अगर प्रोलैक्टिन का पता किए बिना हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवा लिए हमने, तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन की वजह से भी लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेंसेशन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आते हैं। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से भी पहले हमें प्रोलैक्टिन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं होम्योपैथी से। तो होम्योपैथी के अंदर हम पहले डायग्नोसिस बनाएंगे कि इसको वाकई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है या प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी है तो सबसे पहले हम प्रोलैक्टिन हार्मोन को पूरा करेंगे मेडिसिन से, उसके बाद ही हम टेस्टोस्टेरोन के ऊपर आएंगे। अगर प्रोलैक्टिन की डेफिशिएंसी और टेस्टोस्टेरोन का हम अप कर रहे हैं तो कोई सेक्सुअल वीकनेस के अंदर हमें फ़ायदा नहीं होगा, ना ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, ना ही प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के हमें अंदर कोई बेनिफिट मिलेगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो इंजेक्शन है वो रिलीफ तो करेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए, उसके बाद उनका असर वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होगा बार बार टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगवाने का, वो ये होगा कि बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बिल्कुल बंद कर जाएगी और आप टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ही डिपेंड हो जाओगे। और धीरे धीरे करके अगर आप हर रोज़ भी टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लोगे तो आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, और आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी और आपको परमानेंटली सेक्सुअल वीकनेस, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो रह जाएगी, उसको फिर बाद में ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो होम्योपैथी आपके लिए बढ़िया ट्रीटमेंट रहेगा। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, और मेडिसिन शुरू करने से पहले हमें इन दोनों का टेस्ट करवा कर जाना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों का लेवल बॉडी में क्या है। उसके बाद होम्योपैथी से हम पूरे का पूरा 100% इसको क्योर कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।